3D geometry. Next item. Good morning, all of you. Vector ke baad next item is 3D geometry. मतलब है वैसे ही ज्योमेट्री का पार्टी, जैसे 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है वैसे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर आप पक्का मान सकते हो, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो 12th बोर्ड में है नहीं, खैर आप खुशकिस्मत है. 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है विच इज एटलीस्ट 100 टाइम्स सिंपलर देन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि उसमें वेरिएशन बहुत हो जाते हैं, इसमें वेरिएशन बहुत हो जाते हैं, लेकिन इमेजिनेशन अगर थोड़ा सा भी है तो 6 नंबर 100% है. 6 तो पक्के हैं, बाकी छोटे मोटे छोड़े हैं तो वो एक अलग बात है. 6 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व होगा, बहुत सारे वेरिएशन करेंगे अपन इस, और कोशिश करेंगे कि अपन NCERT और JEE दोनों की स्टाइल से क्वेश्चन सॉल्व करें. तो शुरुआत तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वही है, सस्ती सुंदर टिकाऊ डिस्टेंस फॉर्मूला. हम जो प्रूफ है ना, प्रूफ वो तो वेक्टर के तरीके से करेंगे, क्योंकि वेक्टर के तरीके से प्रूफ करना जो है वो बहुत आसान है, डायरेक्ट दिख जाते हैं ना. प्रूफ के बाद कंडीशन लगानी है वो तो वैसे भी. यहां पे कोऑर्डिनेट के रूप में कितने कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, 3, x1 y1 और z1. एक पॉइंट ए x1 y1 z1, एक पॉइंट बी x2 y2 z2. यही चीज अगर वेक्टर में दी जाती तो ये ए और बी पोजीशन वेक्टर के रूप में दिए होते, ए वेक्टर और बी वेक्टर. मुझे क्या निकालना है भाई साहब, मुझे डिस्टेंस निकालनी है किस किस के बीच की, दो पॉइंट्स के बीच की. तो मैं ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनके बीच की डिस्टेंस, ए बी वेक्टर का मॉडुलस ही इनके बीच की डिस्टेंस. ए बी वेक्टर इज x2 माइनस, हाँ पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप का मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, याद ऐसे रहता है एक्चुअली, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. ठीक है, नथिंग न्यू इन इट, सेम चीज. सेकेंड फॉर्मूला दिया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला. वो सब नहीं लिख रहे हम लोग जैसे स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं ना, ए और बी को इंटरनली m1:m2, m:n में बांटने वाले पॉइंट के पोजीशन, मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं, सॉरी यार, कोऑर्डिनेट. एक बात कम से कम मैं 50-60 बार बोल दूंगा पूरे चैप्टर में, जब हम 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जो मैं बोलने जा रहा हूँ NCERT के प्रोस्पेक्ट से बोलने जा रहा हूँ, जो लोग 13th में और जो डायरेक्ट JEE देने वाले हैं उनका इससे कोई लेन देना नहीं. ए वेक्टर बी वेक्टर इस चैप्टर के अंदर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, यूजलेस है. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 बोले जाते हैं, हम कोरिलेट कर सकते हैं. हम कोरिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, बहुत जल्दी आंसर मिलते हैं. हमें जल्दी आंसर चाहिए भाई, गोला भरने के लिए जल्दी चाहिए, 6 नंबर कमाने के लिए भले 3 पेज भरे हैं. मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, डिफरेंस है सिर्फ अप्रोच में, डिफरेंस है प्रेजेंटेशन में, डिफरेंस. हम अगर NCERT की बात करेंगे हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात कर सकते हैं, हम सिर्फ प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ही उसमें जा सकते हैं, हम वेक्टर के थ्रू उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे. वेक्टर का कहीं हम मन में सोच सकते हैं कि वेक्टर के थ्रू मैं आंसर कैसे ला सकता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी लाऊंगा उससे आंसर. आंसर ले आए, आंसर वेरीफाई कर लिया, लेकिन प्रेजेंटेशन हैज टू बी इन फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बस यही एक चैलेंज है, बाकी और कोई चैलेंज नहीं है 6 नंबर लाने में. सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में ए x1 y1 z1 एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बी x2 y2 z2. डिवीजन कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, एक
इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल. इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस भर का अंतर होता है. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसे m1 क्रॉस m2, m1 इज टू m2 में p पॉइंट डिवाइड करता है, मान लेता हूं p के कोऑर्डिनेट x, y और z है. यही सेम चीज अगर मैं वेक्टर में कर रहा होता तो मैं इसके पोजीशन वेक्टर को a वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को b वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर को p वेक्टर मानता, और p वेक्टर जो है वो क्या लिखता, m1 b वेक्टर प्लस m2 a वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2. सही है, यही चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप जानते हैं. मुझे उम्मीद है कि x को मैं क्या लिखूंगा, y को मैं क्या लिखूंगा और z को मैं क्या लिखूंगा. वो जो तीनों चीजें हैं बेसिकली हम लोग वेक्टर में क्या कर रहे होते, जो काम मैं यहाँ वेक्टर में कर रहा हूँ ना, वही काम मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करके दिखाऊंगा. सेम कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेज इन 2D ज्योमेट्री, 2D प्लेन, इसलिए हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं. मजा आ जाएगा अगर एसोसिएट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे. ये मैं वेक्टर से एसोसिएट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं उसमें एक साथ प्ले करता है. एक पोजिशन वेक्टर लिखने से बेसिकली आई एम डीलिंग विद ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स. अरे इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं. I के साथ x वाला, j के साथ y वाला, k के साथ k z वाला. इस p वेक्टर को क्या लिखते हैं आप, पोजिशन वेक्टर के इसके कोऑर्डिनेट x y z होते. जल्दी जल्दी सब नहीं बोल रहे हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये हम डिराइव कर चुके हैं वेक्टर के अंदर. इसके थ्रू मैं 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं लेके आ रहा, आपको पहले से पता है वो सेक्शन फॉर्मूला क्या आने वाला है. एम वन बी वैक्टर की जगह क्या लिखना है, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस प्लस एम टू टाइम्स एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के अपॉन में एम वन प्लस एम टू. इसके बाद अगली स्टेप लिखने से पहले मुझे एक लाइन लिखनी चाहिए, कितने लोगों को याद है. सिंस को मतलब बताया कि तुमने इतना लंबा बहुत स्लो यार, जल्दी समझा करो. सिंस मतलब क्या होता है, हाँ सिंस बिल्कुल सही, सिंस आई कैप जे कैप एंड के कैप आर बेस वेक्टर्स. तो एक्चुअली हम लोग दोनों साइड उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं. तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा उससे, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ई टी सी एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब सेम फॉर्मूला इन वाई एंड सेम फॉर्मूला इन जेड. मैं आपको एक चीज बार बार स्ट्रेस देके इसीलिए समझा रहा हूँ, मैंने बेसिकली वो तीन तीन लिखने के बजाय वेक्टर में मेरे साथ फायदा ये हुआ कि वो तीनों एक साथ आ गए वेक्टर फॉर्म में, तो ये देखने में भी और सॉल्व करने में भी ईज हो जाता है. तीन बार काम करने से बढ़िया साला एक बार में खत्म करो ना किस्सा. चीज सेम है, चीज एकदम सेम है. मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला आ गया, यही होता है. मेरे को घूरने की कोई जरूरत नहीं है. अगर अपने को डिस्टेंस फॉर्मूले और सेक्शन फॉर्मूले भी याद नहीं है तो फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मास्टर 13 में स्ट्रेट लाइन पढ़ाएगा तो भी आपको ये चीजें पढ़ाएगा तो गलत लग रहा है. पहले से आनी चाहिए, इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए.